चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में तथा सेंटर फॉर एडवोकेसी रिसर्च के सहयोग से संचार एवं सुंदरीकरण विषय कार्यशाला का सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी, ACMO डॉक्टर आई वी विश्वकर्मा, डॉक्टर शालिनी रमन, डॉक्टर नंद कुमार, रंजना द्विवेदी, डॉक्टर एन के पांडे सहित अन्य अधिकारी और मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाए जाने तथा मीडिया के सहयोग से स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को जनता तक पहुँचाने जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, आज इस स्वास्थ्य संचार स्वास्थ्य संबंधित जितने भी सेवाएं दे रहे हैं, क्या लोगों को मिल रहा है, क्या लाभ कहाँ उपलब्ध है, ये मीडिया से बेहतर जनमानस तक नीचे स्तर तक कोई भी नहीं पहुंचा सकता। और आज हमारे बीच हमारे क्रॉनिक मीडिया तक सभी जो हेड है वो भी हमारे बीच बैठे हैं और हमारे जो कार्यक्रम है वो ले रहे हैं, कई स्कीमें चल रही है, उसकी जानकारी, उस लाभ की जानकारी वो मीडिया बहुत बड़ा भी कार्य कर रहे हैं, वो जन जन तक पहुंचे। सभी सुविधाएं जो हमारे पास है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित, लाभार्थी ना आ पाए तो उसी तरह है जैसे दुकान सजा कर रखे हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं है। जागरूकता की बहुत कमी है और इस जागरूकता को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जो हम लोग पहुंचाते हैं, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जन जन तक अखबार पहुंचता है, हमारा चैनल पहुंचता है, हमारा न्यूज पहुंचता है और इसी को सोच करके हम CFR जो हमारे सहयोगी इकाई है जो गोरखपुर में हम लोग के साथ काम कर रही है और उनका उद्देश्य भी है कि वे हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों तक जाएं, लोगों तक पहुंचाएं और एक कार्य शुरू भी हो गया है और बहुत ही सकारात्मक इसका परिणाम भी मिल रहा है। सभी मीडिया के भाई बंधु हैं वे इन खबरों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्यशाला हम लोगों ने किया है जिसमें आपका प्रतिभाग सबसे ज़रूरी था क्योंकि जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो TB का हो, चाहे वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का हो, चाहे वो हमारे इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम जैसे MR कैंपेन की टाइप का वो हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनके सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी विशेष रूप से जो हमने पॉजिटिव किया है और हम आगे क्या पॉजिटिव और करने की प्लान कर रहे हैं क्योंकि ये वित्तीय वर्ष अब समाप्त हो रहा, तो उसी के बारे में ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हमने उन विशेषज्ञ लोगों को या ये कह लीजिए उन नोडल ऑफिसर्स को बुलाया है जो हमारे नोडल ऑफिसर एक एक प्रोग्राम देख रहे हैं क्योंकि वो डीपली उस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। वो अपना थोड़ा 10-10 मिनट का प्रेजेंटेशन भी देंगे और प्रेजेंटेशन के बाद उनसे कोई क्वेश्चनर हो, हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग पूछना चाहें तो उसका भी वो आंसर करेंगे। उस एक सेंसिटाइजेशन है आपके माध्यम से पब्लिक में जाए कि हम अगले वित्तीय वर्ष में भी वही करना चाह रहे हैं बल्कि उससे अच्छा करना चाह रहे हैं, जैसे कि AEJS में मौतों की संख्या 75% डाउन हो गई, बीमारी की संख्या 75% डाउन हो गई और कहीं भी मलेरिया, काला आजार, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं फैलने पाया, तो हम उसकी प्रिपरेटरी ये एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं।